दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटी भाजपा ने अपने चुनावी अभियान के तहत जोगी प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत पार्टी के सदस्यों और नेताओं ने दिल्ली की अलग अलग जोगी बस्तियों में जाकर वहां के निवासियों से संवाद किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र बड़पड़गंज के नेहरू कैंप की जोगी बस्ती का दौरा किया। उन्होंने वहाँ के निवासियों से उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा है कि जुग्गी बस्ती के लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं और टैंकरों पर निर्भर हैं। मूलभूत सुविधाओं का भी भारी अभाव है। आज मैं पटपड़गंज विधानसभा की जुग्गी बस्ती में हूँ। लगातार 5-6 महीनों से हमारे कार्यकर्ता दिल्ली के सभी जुग्गी क्लस्टर में प्रवास कर रहे थे और आज का जो मेरा रात्रि प्रवास है वो यही रहने वाला है। पूरी रात हम यही रुकने वाले हैं, लेकिन हमारे इस रात्रि प्रवास से पटपड़गंज विधानसभा से रहे उप मुख्यमंत्री जमानती मनीष सिसोदिया बौखलाए हुए हैं। अभी मैंने सुना कि वो शायद किसी और झुग्गी में जा रहे हैं। 10 साल आपने और आपके साथियों ने, जितने भी मंत्री हैं, इन झुग्गी वाले भाई बहनों की सुध नहीं ली, एक काम इनका नहीं किया। हम तो लगातार 5-6 महीनों से इनके संपर्क में हैं। आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप तो जेल में थे, आपको जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन ये जिस हालत में जी रहे हैं वो ठीक नहीं है। बहता सीवर, गंदा पानी, ये है हमारी राजधानी। 10 सालों में किया क्या आप लोगों ने? सिर्फ लूटने का, ठगने का और चोरी करने का काम किया है। पटपड़गंज के निवासियों से बात कर रहा हूँ, बताते हैं कि कैसे गली गली शराब के ठेके आपने खोले, पूरी पीढ़ी को खराब करने का काम आपने किया। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, ये आपको माफ नहीं करेगी। आज चाहे हमारे इस प्रयास से आप बौखलाहट में झुग्गी वाले में जा रहे हैं, लेकिन 10 सालों में आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। और अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल तुमसे और तुम्हारे साथियों से इन 10 सालों का हिसाब मांगेगी और आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता तो मन बना चुकी है कि इस बार दिल्ली में सिर्फ कमल खिलेगा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।